अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं वाईफाई का जुगाड़ तरीका। इसके लिए आप लोग को ऐसा एक स्टैंडर्ड में इसको लगाना पड़ेगा और उसके लिए फिर उसको साया के लिए एक ऐसा फ्लाई बोर्ड देना पड़ेगा। फिर इसको हमने किया स्टार्ट, अभी इसको हम करते हैं रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करने के लिए ये जगह में ये फिन है, इसमें एक ऐसा दांत खुरचने वाला लकड़ी से यानी नहीं छोटा जो मोबाइल का चाबी होता है आजकल मोबाइल जो के उसका सिम कार्ड निकालने के लिए वही चाबी से इसको परमिट किया जाता है। परमिट करने के लिए ये जगह इसको प्रेस करना है जब तक ये लाइट बुझ न जाए और फिर चालू न जाए, उस टाइम तक उसको छोड़ना नहीं। अभी हम करते हैं इसको परमिट, आप लोग देख लीजिए। जी नाज़रीन, अभी ये हो गया परमिट, आप लोग इसका लाइट भी देख रहे हैं, ये देख लीजिए इसका ये लाइट है, लेकिन इधर दो फेज ज़्यादा नज़र नहीं आता है, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग देख लीजिए इसका, ये इसका लाइट हो गया बिल्कुल, आप लोग देख लीजिए। अभी हम इसको बनाते हैं पासवर्ड और आप लोग को भी लाइव तरीके से दिखाते हैं कि कैसा बनाते हैं। इसका जुगाड़ करने का तरीका यह है कि इसको ऐसा लकड़ी के स्टैंडर्ड से इसको रखना चाहिए, जिधर आप लोग का उसका रेंज मिलेगा उधर से स्टैंडर्ड को लगाना चाहिए। लगाने के बाद उसको करना चाहिए इधर से परमिट। परमिट करने के लिए ये ही रूल इस्तेमाल करना चाहिए उसका, और दूसरा जो होता है तो इसका पासवर्ड इसके ऊपर खुद लिखा हुआ है, कनेक्ट करने के लिए इधर उसका पासवर्ड दिया हुआ है, ये पासवर्ड से आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब अगर आपका राउटर नज़दीक है तो राउटर का ये बटन और इसका ये बटन दोनों को एक साथ में मिला के प्रेस करना चाहिए। जब इसका ये लाइट कनेक्ट होएगा और फिर बुझ जाएगा और फिर चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक राउटर के साथ भी कनेक्ट होता है। अगर राउटर आपके दसरस में नहीं है तो मोबाइल से उसको भी कैसा कनेक्ट किया जाता है, फिर भी ये तरीका हम आप लोग को दिखाएंगे। चलो डेली हम सफ़र के साथ जुड़े रहें, आज का ये ट्रिक और हम लोग का आज का ये डेली का वीडियो आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आ जाएगा, बने रहें। अभी कौन सा वाईफाई, जी नाजरीन अभी इसको हम बढ़ते हैं कनेक्ट करने की तरफ। इधर उसका अभी लोडिंग पकड़ता है, इसके बाद नेक्स्ट। ये हैं उसके नाम वगैरह, इधर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं एक्सटेंडर का नाम और वाईफाई का नीचे जो कनेक्ट करेंगे उसका नाम और पासवर्ड वो भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बारी बारी में आप लोग कर्सर को घुमा के अपने चॉइस का पसंद नाम और पासवर्ड भी दे सकते हैं।
और सेम पासवर्ड भी रख सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इधर हम लोग मारते हैं नेक्स्ट और अगले प्रोसेस की तरफ। इधर हम लोग करते हैं नो, करते हैं यस, फिर इधर पूरा पासवर्ड और आईडी सब कुछ दिखा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया। इधर करना है जी नाज़रीन, इधर कैंसिल करके आप लोग फिर अपने वाईफाई को कनेक्ट करके पासवर्ड डाल के चालू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले ऐसे वीडियो के लिए डेली हम सफर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नासिर रहे।